अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ राबिया, आपसे शेयर करती हूँ ब्यूटी टिप्स एंड होम रेमेडी। व्यूअर्स, आप तो जानते हैं जब हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो हमें सबसे पहले फिक्र होती है कि हम कौन सा ड्रेस पहने, उसके साथ हम कौन से शूज जो है मैच करें और कौन सा बैग जो है हम कैरी करें। व्यूअर्स, सेकेंडली आपको फिक्र हो जाती है कि जी हम कॉस्मेटिक कौन सा यूज करें और कौन सी लिपस्टिक हम मैचिंग की यूज करें, ये सब चीजें तो अपनी जगह। लेकिन व्यूअर्स, सबसे ज्यादा जो हमें फिक्र करनी चाहिए, जब हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो हम सबसे पहले जो है हमारी हैंड्स पे नजर पड़ती है। हम किसी को सर्व करते हैं तो हमारे हैंड्स ही प्रोमिनेंट होते हैं, हम अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। व्यूअर्स, खवातीन जो है सारा दिन कुछ ना कुछ अपने जो घर के काम करती हैं, जिसमें वो ज्यादातर सोप का यूज करना और डिश वॉशिंग करना और लॉन्ड्री करना और इस तरह की चीजों से, डिटर्जेंट वगैरह से हमारे जो हैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके होते हैं। हमारे हैंड्स की स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई और रफ हो जाती है। हम बिल्कुल भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी अपने हाथों का ख्याल नहीं करते। बाकी हमें कपड़ों की भी फिक्र होती है, हमें शूज की भी, के बैग्स की भी, कॉस्मेटिक भी, हर चीज की फिक्र होती है, लेकिन हम जो है अपने हैंड्स का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाते। और आजकल की जैसे बिजी रूटीन है और आने वाले दिनों में और ज्यादा हम बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हमें ईद की शॉपिंग भी करनी होगी। तो इस मसरूफियत के दिनों में भी आप अपना जो है हैंड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और आज जो मैं आपसे टिप शेयर करने वाली हूँ हैंड केयर के बारे में, उसमें आपने क्या करना है कि आपने 2 कप्स रोज वाटर के लेने हैं, उसमें 1 कप जो है आपने ग्लिसरीन का ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में, जिससे आप आसानी से जो है निकाल सके अपने हाथों पे और फौरन से आप अपने हाथों पे अप्लाई कर ले। आपने जितनी बार भी डिश वॉशिंग करनी है, लॉन्ड्री करनी है या दूसरे अपने जो भी आपके काम है घर के आपने करने हैं, तो आपने इस लोशन को अपने हाथों पे अप्लाई करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके जो हैंड्स की स्किन जो ड्राई हो गई है और रफनेस हो गई है तो वो जो है वो खत्म हो जाएगी और आपके जो हैंड्स हैं वो बहुत सॉफ्ट रहेंगे और रफ भी नहीं नजर आएंगे। फिर आपको ये मेरी छोटी सी टिप बहुत अच्छी लगी होगी, आप मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आप जो है मेरी जो होम रेमेडियां यूज करते हैं तो आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। यकीनन आप जब आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।